क्योंकि इस अयोध्या की माटी के साथ मेरी आजी अम्मा का एक बहुत भावनात्मक लगाव संपूर्ण जीवन में सदैव रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। अग्रसर केवल आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं, अग्रसर केवल आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं, लेकिन अग्रसर भारत की सांस्कृतिक धरोहर और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर भी। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या उस आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर उस संकल्प, उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करके और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। और आज के इस अवसर पर जब हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। आज दोनों हनुमानगढ़ी और रामलला के मंदिर का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस एयरपोर्ट में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत के हर शहर को जब हवाई अड्डे में कोई भी व्यक्ति देशी या विदेशी प्रवेश करे तो उसे उस शहर की सांस्कृतिक क्षमता का आभास होना चाहिए। और इसलिए अयोध्या का हवाई अड्डा भी सामान्य हवाई अड्डा नहीं बन रहा। अयोध्या के हवाई अड्डे में अयोध्या की सांस्कृतिक क्षमता के कण कण इस हवाई अड्डे में परिलक्षित करने की हमारी कोशिश रही है। चाहे एयर साइड से हम देखें, चाहे सिटी साइड से देखें, जो नकाशी का काम हुआ है, पत्थर का काम हुआ है, जिस तरीके से हवाई अड्डे का डिज़ाइन हुआ है, और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये जो पहला चरण है 6,500 स्क्वायर मीटर का ये हवाई तल बनने जा रहा है, 65,000 स्क्वायर फुट का, क्षमता 2 या 3 फ्लाइट प्रति घंटे की क्षमता का ये हवाई अड्डा बनने जा रहा है, 2,200 मीटर का रनवे का क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि बोइंग 737 और एयरबस 319, एयरबस 320 इस हवाई अड्डे पे लैंड कर पाएंगे। छोटे प्लेन तो ज़रूर आएंगे पर बड़े प्लेन भी आ पाएंगे। 8 एप्रन है शुरुआत में एयरक्राफ्ट के लिए, और इसके द्वितीय चरण के लिए जिसके लिए शीघ्र ही हम स्वीकृति कैबिनेट से लेने जा रहे हैं, उसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस एयरपोर्ट की रनवे की लंबाई 2,200 मीटर से 3,700 मीटर तक हम लोग ले जाएंगे, मतलब करीब करीब 4 किलोमीटर की एयरपोर्ट की रनवे होगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय विमान बोइंग 787, बोइंग 777, सारे अंतर्राष्ट्रीय विमान भी अयोध्या डायरेक्ट लैंड कर पाए। उसी के साथ जो ये पहला फेज है विमानतल का, इसी के समीप जमीन पर द्वितीय फेज इस विमानतल का हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां ये 6,500 स्क्वायर मीटर का विमानतल है, द्वितीय फेज 50,000 स्क्वायर मीटर का विमानतल होगा, मतलब 5,00,000 स्क्वायर फुट का विमानतल हम बनाने जा रहे हैं। अयोध्या नगरी जो राष्ट्र मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा केवल नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा होना चाहिए, उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। और आज जो अयोध्या का भ्रमण
मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हम सबका हुआ है। हम आश्चर्यचकित हैं कि जितनी प्रगति और विकास और एक भव्य रूप अयोध्या को दी गई है, मैं अपने दिल के गहराइयों से देशवासी होने के नाते मुख्यमंत्री जी को भी अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।